बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तश्किल हुसैन खोकर विद फिजिक्स टीचर। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड सब्जेक्ट फिजिक्स लेक्चर नंबर 1। टॉपिक इज इंट्रोडक्शन एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ फिजिक्स इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। स्टेट एसआई बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स फॉर वेरियस मेजरमेंट्स। एक्सप्रेस ड्राइव ड्राइव यूनिट्स as products are quotients of base units. State the convergence for indicating units as set out in SI units. Explain why all measurements contain some uncertainty. Distinguish between systematic error and random error. Identify that least count or resolution of measuring instrument is the smallest increment measurable by it. Differentiate between precision and accuracy. Assess the uncertainty in a drive quantity by simple addition of actual fractional and percentage uncertainties. Check the homogeneity of physical equations by using dimensionally and base units. Derive formula in simple cases using dimensions. Quote answer with the correct scientific notation. Number of significant and units in all numerical and vertical work. So these are the learning objectives. So first of all, we are discussing about the importance of physics in our daily life or in modern world. The importance and scope of physics is not hidden from today human beings. Physics gives the insight information regarding events happening in the universe. The study ranges from smallest subatomic particles like electrons, protons, neutrons, etc. to huge heavenly bodies like galaxies, etc. It explains nature and the occurrence in nature in terms of fundamental laws and principles, e.g. Newton laws, Archimedes principle, etc. Physics is more quantitative rather than descriptive. For precise and accurate measurement, physics is always in need of accurate instrument. Physics is called science of measurement. What is moon? What is sun? How the universe is formed? At some part of a day, light is there, but in some other part is not available. Why? What are clouds and how they are formed? Dear students, इसमें learning objectives तो आप लोगों ने पढ़े, लेकिन इसकी जो importance of physics in our daily life वो किसी से छुपी नहीं है। फिज़िक्स जो है वो इनसाइड इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग
इवेंट्स जो हो रहे हैं इस दुनिया में वो कौन से इवेंट्स हैं, जो छोटे से छोटी रेंज से हम सफ़र तय कर रहे हैं फिजिक्स का, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इधर से इससे लेकर हेवनली बॉडीज हैं जैसे गैलेक्सीज हैं और स्टार्स हैं, इन तक हम जो ये स्टडी कर रहे हैं उसकी जो स्टडी में हमें मदद दे रही है वो फिज़िक्स दे रही है, और वो एक्सप्लेन करती है नेचर, जो इस दुनिया की जो नेचर बनी हुई है, मतलब जैसे उसमें सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, या बड़ी बड़ी जो भी चीज़ें हैं या मोशंस हैं, सारा कुछ ये जो इस दुनिया में अकर हो रहा है, मतलब जो हम देख रहे हैं, जो भी फंक्शंस चल रहे हैं, इनको पढ़ने में और इनके इनमें जो भी लॉस आ रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स लॉस, आर्किमेड प्रिंसिपल है, इनको पढ़ने के लिए हमें फिज़िक्स की नॉलेज होना या इसके बारे में पढ़ना लाजमी है। फिज़िक्स जो है वो मोर क्वांटिटेटिव है रादर देन डिस्क्रिप्टिव। सो इसमें जो है मेन जो किरदार है फिज़िक्स में वो मेजरमेंट का है, मतलब हर एक चीज़ की एक्यूरेटली हम मेजरमेंट करें तो हम सही माना में उसको जो है एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उसकी जो भी ये फंक्शंस हैं और उसको परफॉर्म कर पाएंगे। और फिज़िक्स जो है वो साइंस की मेजरमेंट को भी कहते हैं, और इसमें जो है हम फिज़िक्स में हम जान पाएंगे वो क्या जानेंगे, व्हाट इज़ मून, चांद क्या है, सूरज क्या है, और यूनिफॉर्मली जो है सारी दुनिया कैसे चल रही है और यूनिवर्स कैसे बनी और दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, और कहीं रोशनी है कहीं रोशनी नहीं है, क्यों नहीं है, और ये बादल क्यों बन रहे हैं और ये कैसे बनते हैं, ये सारा इसमें फिज़िक्स में हम पढ़ें। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये जो है फिज़िक्स की इम्पॉर्टेंस है, ये मैंने समराइज़ करके इसको जो है एक्सप्लेन किया है, होप्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम जो भी पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ विशेस, और इसकी जो असाइनमेंट होगी आप लोगों के लिए वो ये होगी कि आप इसको इसके नोट्स बनाएंगे और वो उसकी कैप्चर उसको कैप्चर